दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद बाड़मेर पहुंचने वाले हैं और बाड़मेर पहुंचकर आप देखिए कि बाड़मेर के 20 लोगों को फ्री में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्कूटी देंगे। और ये आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में पहुंचेंगे वहां पर बाड़मेर के 20 दिव्यांग जनों को मुफ्त में स्कूटी देंगे और स्कूटी पर जो लेने वाले लाभार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कैसे इनको क्या करना पड़ा ताकि मुख्यमंत्री ने इनको फ्री में स्कूटी देने की घोषणा की है, हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करूंगा और जो इनको स्कूटी मिल रही है उनसे भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और ये स्कूटी जो दिव्यांग जनों को है वो बाड़मेर के 20 लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं दिव्यांग जनों से बात करने की कोशिश करूँ। सर क्या नाम है आपका? गेवरचंद दर्जी नाम है मेरा। अच्छा गेवरचंद जी, आज स्कूटी मिल रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, मैं खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकता सर। तो आज क्या किस तरीके से आपको स्कूटी मिल रही है और क्या योजना थी, क्या कैसे मिलती है स्कूटी? मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना थी, स्कूटी योजना थी, उसका आवेदन करना पड़ता ई मित्र पर जाकर। फिर इनका तो इससे पहले आप लोगों को कितनी दिक्कत होती थी आने जाने में? बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में, व्यापार में और कार्यालय के जाने आने जाने में सब जगह पर दिक्कत होती थी। अब आप अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा आप बताओ क्या नाम है आपका? सर गपुरा राम। आप कहाँ से हो गपुरा राम जी? कन्नना गांव। तो आज आपको स्कूटी मिल रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। अच्छा आप बताएं सर क्या नाम है आपका? इलियास खान। इलियास खान आपको भी मिल रही है? तो क्या इलियास खान जी आप क्या काम करते हैं? प्राइवेट काम का। तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती है बसों में? आने होती है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी देके मेरी वो समस्या का समाधान कर लिया। निश्चित रूप से आप देखिए तमाम लोग जो हैं सामाजिक अधिकारिता विभाग के सर पुखराज जी हमारे साथ हैं। पुखराज जी कितनी स्कूटियां आज सीएम साहब जो है बाड़मेर के दिव्यांग जनों को दे रहे हैं और क्या इसमें पूरी प्रक्रिया रहती है? सर आज है जो कि सीएम साहब है जो 20 दिव्यांगों को है जो कि उनके सपनों की पूर्ति करने जा रहे हैं और 20 स्कूटी प्रदान करेंगे। और इस स्कूटी योजना के लिए सर्वप्रथम ऐसा कोई भी दिव्यांग जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जिसे 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ हो और उसका है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो वो दिव्यांग आदमी अपना ई मित्र के माध्यम से या SSOID के माध्यम से ऑनलाइन है जो कि आवेदन मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया जा करता है। और आवेदन करने के बाद में यहाँ पर जिला स्तर पर है जो कि एक जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के द्वारा इनको उनकी आय और दूसरा दिव्यांग सत्यापन का किया जाता है सर जी के आधार पर इनका है जो कि मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और उस मेरिट लिस्ट के बाद में इनको निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर भेजा जाता है और वहाँ से है जो कि हमें स्कूटी की स्वीकृति मिलती है। और फिर जैसे कि गत जो सत्र था उस गत सत्र के अंदर हमें बाड़मेर में 300 स्कूटी की है जो कि स्वीकृति मिली थी और जिसे पहले चरण में हम 180 स्कूटी है जो कि प्रदान कर चुके हैं और 126 स्कूटी की लिस्ट हमें और प्राप्त होने वाली 126 स्कूटियों को एक और कार्यक्रम करके उनको हम और प्रदान करेंगे। तो आज तो सिर्फ दिव्यांगों को है जो कि यहाँ पर स्कूटी प्रदान कर रहे हैं। तो दिव्यांगजन क्या कह रहे हैं, कितनी खुश नजर आ रहे हैं? दिव्यांगजनों के लिए सर बहुत ज्यादा खुशी का विषय है क्योंकि दिव्यांगजनों ने आज लगभग अपनी आधी उम्र है लगभग है जो कि इन्होंने 30 साल है जो कि बगैर स्कूटी के गुजारे हैं और इन्होंने इतने दिन है जो कि ट्राई साइकिल के माध्यम से या फिर आवागमन में जो बाधाएं थी उन बाधाओं के साथ में अपने जीवन को यापन किया है। लेकिन अब है जो कि अपने उनकी जो आवागमन की जो बाधा है या फिर जो भगवान के द्वारा जो दी गई इनकी जो कमी थी वो कमी को है राज्य सरकार ने देखा कहीं ना कहीं पूर्ण करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से बिल्कुल आप देखिए कि ये दिव्यांगजन है और किस तरीके से इनको जब स्कूटी मिलेगी तो कितनी आप बताएं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेतन राम है। चेतन राम जी कहाँ से आए हो आप? बलोत्रा से हूँ। बलोत्रा से आए हो तो क्या काम करते हो चेतन जी आप? मैं तो मैकेनिक का काम करता हूँ, टीवी रिपेयरिंग कर रहा हूँ। मिस्त्री हैं? अच्छा तो अब आपको कोई फोन आता था सही करने के लिए, कितनी दिक्कत होती आने जाने में? आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ पहुँचने के लिए कोई बाइक सहारा लेना पड़ता था दूसरों को। फिर बाद में अब खुद की हो गई। अच्छा आपको स्कूटी के साथ साथ हेलमेट भी दिया है? निश्चित रूप से। तो कितनी खुशी है आपको? आप बताएं सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम माली है। गौतम जी क्या कहना चाहेंगे आज स्कूटी को? बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री को, हमारे स्कूटी दी है सर। एक तरह का बहन भाई मामेरा भरता है, जिस तरह अशोक गहलोत मामेरा भरा है स्कूटी के लिए। अच्छा मामेरा गहलोत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से ये खुशी झलक रही है इन तमाम लोगों के चेहरों पर। आप देखिए कि ये जो लोग हैं इनको आज थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात देंगे और निःशुल्क 20 लोगों को स्कूटी देंगे और स्कूटी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर इनको हेलमेट भी दिया गया है, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है और तमाम प्रकार की ये व्यवस्थाएं जो है वो सीएम विजिट को लेकर की गई है। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसमें हमने ये भी बताया है कि अगर आप दिव्यांगजन है और इस प्रकार की आवेदन कर सकते तो कैसे करना है कहाँ करना है वो भी सर ने पूरी की पूरी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।